कोविड के हवाले से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आपको याद होगा कि जब पिछली बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी तो जो हमारा कोविड को लेके डिस्ट्रिक्ट में सिचुएशन बनी हुई थी उसको अगर उससे पहले के हफ्ते से कंपेयर करेंगे तो वो हमें काफ़ी रिलीफ मिला था। लेकिन आज का जो कुछ मैं फिगर्स जो पढ़ूंगा उससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी जो आज का सिचुएशन है इसका डिस्ट्रिक्ट का कोविड के हवाले से बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। जहाँ मैंने 9/6/2021 को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो वहाँ टोटल जो एक्टिव केसेस थे हमारे पास वो 973 थे, लेकिन आज वो घटकर 607 हो गए हैं। वहीं हमारा जो रिकवरी रेट था 9/6 को वो 82% था और आज हमारा रिकवरी रेट जो है 88% हो गया है। वैक्सीनेशन जो 45+ ग्रुप में थी वो 77% थी, आज बढ़कर 82% हो गई है। और पिछले कुछ दिनों से जो है हमारा जो केस फैटलिटी रेट है वो 0.6 चल रहा है, जबकि जब मैं पिछली बार जो था 1.65 था। और ओवरऑल जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है वो 2% के आसपास है। अब चूंकि हालात में काफ़ी सुधार हुआ है तो ये सरकार का प्रयास है कि इकॉनमी को जो है वो ओपन किया जाए। तो जब इकॉनमी को ओपन करने की बात करते हैं तो उसमें लोगों का जो रोज़मर्रा का जो लाइफस्टाइल है उसका जो रोज़मर्रा का जो काम करने का तरीका है जो कोविड से पहले था वो रिस्टोर होना चाहिए। तो उसी दिशा में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट जो स्कीम्स हैं जो रेगुलर चलती हैं वो चलना शुरू हो गई हैं। जैसे मिड डे मील स्कीम्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया है। जहाँ राशन का जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन था जो 2 महीने का सरकार ने अनाउंस किया था उसमें भी हमें जो है पिछले महीने का हमने कोई 95-96% की एलोकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी है और इस महीने भी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है 50% से ऊपर हो गया है। उसी के साथ जो सरकार ने एक बड़ा अहम फैसला लिया था कि जो लोग कोविड की वजह से जो इस दुनिया में नहीं रहे और जिन जिस फैमिली का सोल ब्रेड अर्नर जो है वो नहीं रहा इस दुनिया में तो उनकी जो फैमिलीज़ का है फैमिलीज़ की देखभाल करने का ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक जिम्मा लिया है। तो उसमें हमारे पास जो है वो कुछ 17 फैमिलीज़ थी जिनके सोल ब्रेड अर्नर जो है उसकी डेथ हो गई थी और उसमें दो किस्म के बेनिफिट थे, एक तो उनके 2 बच्चों को स्कॉलरशिप था और एक जो डिपेंडेंट था उसको पेंशन थी, फैमिली पेंशन थी। तो जहाँ तक फैमिली पेंशन का ताल्लुक है तो वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में 18 लोगों का एलिजिबिलिटी बनती थी, उनके केसेस हमने सबमिट कर दिए हैं, अगले महीने से उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। और इसी तरह 20 एक जो है थे उनके बच्चे थे जिनको स्कॉलरशिप मिलना था तो उनको स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि फिर भी जो है हालात सुधरने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो है डेथ हो जाती है, तो अगर जो कहीं भी फैमिली का ब्रेड अर्नर जो है उसकी डेथ होगी तो उनको इस स्कीम में जो है कवर किया जाएगा। एक बात जो आपके माध्यम से आज मैं दोबारा और बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपने भी बड़ी बार मुझे पूछा कि ये 18+ ग्रुप की जो है वो वैक्सीनेशन कब शुरू होगी। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमने 18+ ग्रुप की जो है वैक्सीनेशन शुरू कर दी है और मेरे पास आज के दिन में 10,000 जो है वो वैक्सीनेशन की डोजेज़ हैं, हमने वो टीम्स बना के लगाना शुरू कर दी हैं। जैसे जैसे जो है ये वैक्सीनेशन जो है वो लगती जाएगी और डिमांड बढ़ती जाएगी और हम टीम्स भी बढ़ाते जाएंगे और वैक्सीनेशन भी हमारे पास आती जाएगी। पर वैक्सीनेशन का जो सक्सेस रेट है वो इसी पे डिपेंड करता है कि जितने भी समाज के स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी लोग मैटर करते हैं समाज में, उन सभी को एक साथ होकर जो है वो वैक्सीनेशन की जो मुहिम है इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस ड्राइव को एक मिशन की तरह जो है वो आगे बढ़ाना पड़ेगा, फिर जाकर हम जल्द से जल्द जो है अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करवा पाएंगे और फ्यूचर में अगर कोई भी खतरा बनता है तो उस पर उससे बच पाएंगे। पेंशन्स मैंने आपको ये बताया कि पेंशन्स जो है वो उनके उस डिपेंडेंट को मिलेगी जो सोल ब्रेड अर्नर जो है वो उसका मर गया है और उसका जो कोई पीछे डिपेंडेंट रह गया है उसको पेंशन मिलेगी। स्कॉलरशिप को जो मिलना है वो उन बच्चों को मिलना है जिस फैमिली के सोल ब्रेड अर्नर जो है वो कोविड की वजह से इस दुनिया में नहीं रहे और उसके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हैं। नॉर्म्स डिफाइंड हैं, उसी नॉर्म्स से मिलेंगे, ये प्राइमरी के पोस्ट मैट्रिक के ये सारे नॉर्म्स डिफाइंड हैं, तो जो स्कॉलरशिप की स्केल्स हैं उसी स्केल से जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगा। सर 18 साल से पहले सर ये जो हेल स्टॉर्म आया था इन दिनों में कई जगहों पे लोगों के नुकसान भी हुए हैं, तो इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? देखिए हेल स्टॉर्म जो आया था कुछ नुकसान जो है पर्टिकुलरली मेंडर एरिया से और ये मंडी एरिया से हार्टिकल्चर का जो रिपोर्ट हुआ है तो उसका हमने जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट है वो करवा ली है और उसका डिटेल असेसमेंट जो है वो चल रही है। तो ये SDRF के जो नॉर्म्स हैं जो लोग उसमें कवर होंगे उनको डिफाइंड नॉर्म्स हैं उसमें उनको सरकार की तरफ से मदद की जाएगी।